हेलो डॉक्टर माधवराजे एंड हेलो सभी ऑडियंस का मैं स्वागत करता हूँ हमारे साइको एजुकेशन देने वाले यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्जैक्टली साइकोलॉजिकल नहीं है, आई थिंक थोड़ा सोशोलॉजिकल भी है। तो टॉपिक लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, टॉपिक का नाम भी वैसे है और वो देखते हैं आजू बाजू में। तो मैं आपको टॉपिक का नाम देता बताना चाहूंगा, पहले ज्यादा स्ट्रेच करने से बेटर है सीधा नाम ही बता दूंगा। आजकल सोसाइटी में हम देखते हैं कि डाइवोर्स का जो प्रमाण है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि लाइक जब मैं मेरी मम्मी पापा के टाइम देखता हूँ, मेरे विलेज की सिचुएशन देखता हूँ, तो डाइवोर्स था ही नहीं। लाइक गांव होगा इसलिए वो सोशल प्रेशर के कारण या किसी और कारण डायवोर्स होता ही नहीं था। आज मेरे गांव में भी यदि देखा जाए तो दो तीन डायवोर्स आराम से मिल जाते हैं। अच्छा यस, लाइक मेरा एक दोस्त है, उसकी तो 2 बार शादी हुई है। ओ मेरे बाजू वाला लड़का है, उसकी 1 बार यानी 2 बार शादी उसकी भी हुई है। मेरे रिलेटिव में एक लड़का है, उसकी भी 2 बार शादी हुई है। तो हो ये लाइक इट्स वेरी कॉमन, लाइक कॉमन बोलने जितना भी कॉमन नहीं कहूंगा मैं, बट ये मात्रा थोड़ी सी शायद बढ़ रही है। रिलेटिवली ज्यादा हो गई है। हाँ, रिलेटिवली ज्यादा हो गई है। तो मैं आपसे इसी टॉपिक के ऊपर सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से, आपके पास ऑब्वियसली डाइवोर्स कोई सामान्य चीज नहीं है, डाइवोर्स होने के बाद लोगों को बड़ी बहुत ज्यादा मानसिक समस्याएं भी होती होगी, बहुत ज्यादा तनाव आता होगा, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग भी आते होंगे कि सर डाइवोर्स होने वाला है, या हस्बैंड बीवी के बीच बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, सर अभी क्या करूं। तो आपको क्या लगता है, आप इन सारे कारणों को देखते हो, आपके साथ पेशेंट सच ही बोलते होंगे, आपको क्या लगता है कि डाइवोर्स का प्रमाण जो अभी सोसाइटी में बढ़ रहा है इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? और डॉक्टर माधोरा जी, हालांकि बात तो सही है, बहुत ही हॉट टॉपिक है। डाइवोर्स ज़्यादा मात्रा में होने दिख रहे हैं इंडिया में भी, और उससे कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है सोच करके कि ये जो मैरिज इंस्टीट्यूट है इंडिया की, इसे धक्का तो नहीं पहुँचेगा। अगर आम तौर पे सोचा जाए मित्रों, तो डाइवोर्स ज़्यादा होने का पहला पहला कारण सब लोगों को ये लगता है कि शायद हम लोगों को, मतलब हस्बैंड वाइफ को, जो नए नए दूल्हा दुल्हन है, नए नए शादीशुदा हुए जो जोड़ी है, उन्हें एक मेक को टॉलरेट करना नहीं आ रहा है। उनका करेक्ट। टॉलरेंस लिमिट जो है वो शायद कम हो गई है, इसीलिए वो डिवोर्स की तरफ में, अंतिम स्टेप की तरफ में इमिजिएटली चले जाते हैं। ये आमतौर पे ऊपर ऊपर दिखने वाला कारण है। लेकिन मैं ये सोच समझ रहा हूँ कि जैसे कि उन्हें कोई बात अपने पार्टनर की डिसलाइक हो रही है और बार बार होते जा रही है, तो वो डिसलाइक जो हो रही है बात, वो अपने पार्टनर को मनाए या खुद को मनाए, एडजस्टमेंट करे, है ना, एडजस्टमेंट ज़्यादा मात्रा में करे। एडजस्टमेंट से अगर काम नहीं हुआ तो किसी रिश्तेदार को पूछे, मम्मी पापा से कांटेक्ट करे, डिस्कशन करे, चेंज के लिए ओपन रहे। अगर उनमें भी नहीं हुआ, इन सब चीज़ों से भी नहीं हुआ, तो मेरे जैसे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास में जाए, सलाह मशवरा करे, और फिर अपना जो बिगड़ी हुई हालात है, मनमुटाव जो है, उसे ठीक करने की कोशिश करे, और कहता हूं ना, शिद्दत से ये कोशिश करे। ऐसा ना हो रहा है, डायरेक्टली ये कंक्लूजन हो रहा है कि नहीं, जाने दो, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आसपास में सोशल सर्कल आपको ये बताता है, सोशल न्यूज आपको ये बताती है, सोशल मीडिया आपको ये बताती है कि बहुत ज्यादा एडजस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, अपनी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाला अगर अपने से एडजस्ट नहीं होता है तो छोड़ो उसको, और कोई मिलेगा, लेकिन अपनी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मेरी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं मेरे बारे में ज्यादा सोचूंगा तो ही मुझे सुख मिलेगा, मैंने शादी क्यों करनी है, मेरे सुख के लिए करनी है। तो ये जो विचार मैं और मैं, ये जो हुआ, ये थोड़ा ज्यादा हुआ है इन दिनों में, ऐसा मुझको लगता है। और मैं का विचार ज्यादा होने का पहला कारण, जो साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है, वो मैं आपको पूछना चाहूंगा, या उस उत्तर के तरफ में, उसका जो कारण है, वो कारण का तरफ में आपको मैं बातों बातों में ले जाना चाहूंगा सुशील सर। इसलिए मैं आपको यस ये पूछ रहा हूं। देखिएगा, आप जब स्कूल में गए थे,
या मैं भी जब स्कूल में गया था, हम लोग सब लोग जब स्कूल में जाते हैं तो हम सब सब लोग स्कूल में क्या पढ़ते हैं, मतलब साइकोलॉजिकली मैं पूछ रहा हूँ। जैसे कि समझो आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में आपके कोई नंबर आए, तो ये नंबर जब आपके आए, क्योंकि स्कूल और एग्जाम ये मतलब सिनोनिमस है ना, तो अगर आपके कोई नंबर आए तो आप क्या बोलते हो, किसके नंबर आए? मेरे मैं जब 12वीं पास हुआ तो मुझको याद है, मैं कई लोगों से बात करता था कि मेरे गांव से, मैं पुसद से हूँ, तो पुसद से हमारी सेकंड बैच थी 10वीं 12वीं वाली, है ना। तो 78 साल में मैंने 12वीं किया, 77 की पहली बैच थी 12वीं की पुसद से, और पुसद से 77 के बैच में शायद एक दो लड़के मेडिकल कॉलेज में गए थे, लेकिन मेरी बैच में ऑलमोस्ट 14 लड़के 14 एट वंस मेडिकल कॉलेज में चले गए। तो मतलब हम सब लोग मेडिकल कॉलेज में गए, ऐसा हम बोलते हैं और याद करते हैं, और उससे बहुत खुशी मिलती है हमको। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, जैसा अगर आप मेडिकल कॉलेज में गए हो, जैसे आप VNIT में गए हो, आप क्या कहोगे, मैं VNIT में गया मेरे गांव से। तो ये नहीं, जो कंपैरिजन है, मैंने क्या अचीव किया, मैंने कितने स्कोर किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस हमको मालूम हुआ स्कूल डेज से। और स्कूल में सबसे ज्यादा एकेडमिक प्रेशर कब से चालू हुआ, सर मतलब शायद इस डिवीजन डिवीजन में ऐसे बोलूंगा कि हमारे ऊपर में हम लोग अंग्रेजों के राज्य में थे, उसके पहले हमारे ये स्कूल्स अलग थे, गुरु शिष्य के ये चलते थे, तो वो काल निकल गया, फिर बाद में ये स्कूल चालू हो गए, मॉडर्न स्कूल चालू हो गए। तो ये मॉडर्न स्कूल के जमाने से ही हम लोगों ने एकेडमिक प्रेशर बिल्ड या एकेडमिक प्रेशर को महसूस करना शुरुआत कर दी। जब से हमने एकेडमिक प्रेशर को महसूस करना शुरुआत की, तब से हम सब लोगों के माता पिता, मेरे भी माता पिता कहते थे, देखा अच्छे मार्क्स लाना, नौकरी बिकरी मिलनी चाहिए। तो उपजीविका के लिए मार्क्स अच्छे मिलना चाहिए और नौकरी मिलना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। अब किसको मार्क्स अच्छे मिलना चाहिए, मुझे कि हमको? मुझे नौकरी किसको मिलना चाहिए सुशील सर, तुम्हें कि मुझे तुम सब मुझे लोगों को? वो मुझे हमेशा सोच ये होती थी घर में भी, आजू बाजू में भी, स्कूल में भी, कि मुझे कुछ तो भी होना चाहिए। तो इस तरह से हम में से, हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में हर कोई अपने आप को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक हो उठा। हम लोग बहुत कंपैरिजन करने लगे, मैं और बाकी लोग कैसे हैं, मुझको ज्यादा कि उसको ज्यादा, उसको उसको कम कि मुझको कम, मुझको क्या आता है उसको क्या आता है। ये कंपैरिजन धीरे धीरे इस हद तक के बढ़ गई है मित्रों कि हम लोग बहुत संकीर्ण हो गए मैं के लिए। अब क्या होता है, मुझे क्या मिलता है, मेरा शर्ट कैसा है, मेरी साड़ी कैसी है, मेरी बिंदिया कैसी है ना, मेरा लुक कैसा है, मेरी सेल्फी कैसी है। आप देखो सेल्फी का जमाना आ गया, ऐसा कहते हैं, कहीं भी जाओ आप देखो, कोई भी कोने में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है, लड़का लड़की या कोई भी अधेड़ उम्र का व्यक्ति खुद की सेल्फी लेता है, पोस्ट करता है, व्हाट इज दिस, चल क्या रहा है। सेल्फी आप साथ में नहीं लेते आमतौर पे, खुद की सेल्फी ज्यादा लेते हो और साथ में कुछ कुछ लोग सेल्फी लेते हैं, है ना। तो यस आम हो क्या रहा है कि मैं को इतना बढ़ावा देने के कारण, जब ये मैं वी में कन्वर्ट होता है, शादी हो गई तो क्या हुआ, मैं रहा कि वी रहा, हुई शादी में वी हुआ, मैं नहीं वी। तो ये वी का जो कंसेप्ट है, ये वी का कंसेप्ट नया है जनरेशन को, और मैं का कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो गया है, इसलिए इस मैं को वी में कन्वर्ट होने के लिए समय लगता है। राइट क्या 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 विचार मन में आ रहे हैं आपके सुशील सर, क्योंकि मैं डायरेक्शन दे रहा हूं कि ये मैं को वी में कन्वर्ट ना होने के कारण डिवोर्स के रेट्स ज्यादा हो रहे हैं। सर ये बात बिल्कुल सही है, इसको अलग भी डायमेंशंस हो सकते हैं। हो सकते हैं। लेकिन जैसे ट्विटर पे मैंने एक ट्वीट देखा था, एक लड़की ने ट्वीट किया था कि मेरी शादी हुई है अभी अभी, एंड सभी लोग बड़े लोग यानी सभी लोग नहीं सॉरी, कि वो मेरे हस्बैंड है और मुझे पैर पढ़ने के लिए बोला जाता है लोगों से, बड़े लोगों के। हाँ लेकिन मेरे माइंड को या मेरे को ये एक्सेप्टेड नहीं है कि मैं किसी के पैर छू। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला लेकिन फिर भी मैंने किसी के भी पैर नहीं छुए। तो ऐसा उसने वो ट्वीट किया था। तो वही है कि जो फॉरेन कल्चर में इंडिविजुअलिज्म था हाँ वो यहाँ लाए हैं हम, कि खुद का हाँ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस, खुद को खुद के मन में खुद की इतनी बड़ी प्रतिमा कि दूसरों को खुशी मिले इसीलिए कुछ करते ही नहीं है। एग्जैक्टली मेरे एग्जैक्टली भाई को
मेरे भाई को मैंने ऐसे एक दिन पूछा यार, लाइक यही है पैर छूने के बारे में, ये थोड़ा यदि लॉजिकली सोचा जाए तो यार बोला क्या लॉजिक है पैर छूने में, लाइक रिस्पेक्ट है मन में। तो मैं बोला सारी चीजें हमारे लिए नहीं करनी होती, कुछ चीजें दूसरों के खुशी के लिए भी करनी होती है। तो ये कनेक्शन मुझे उस ट्वीट से आ गया कि ये जो है इंडिविजुअलिज्म वो ज्यादा बढ़ रहा है, और इसके कारण ऑब्वियसली उनको लगता है कि यदि मेरे मन जैसा नहीं होता या मुझे अच्छा नहीं लगता या मैं एडजस्ट नहीं कर पाती तो मुझे एक साथ नहीं रहना चाहिए। सो दे आर कंपैरिजन के साथ वो परफेक्शन को भी सीख कर रहे हैं कि परफेक्ट रिलेशनशिप कुछ होगा और ये मेरा परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है तो मुझे तोड़ना चाहिए। तो शायद इस तरीके से ये होगा अच्छा पॉइंट शायद। है, अच्छा हाँ पॉइंट है, नया पॉइंट है आपने अपने डिस्कशन में जो लाया कि बात सही है। बहुत लोगों को ये लगता है कि मैं और मेरा हस्बैंड, मैं और मेरी बीवी, हम लोगों का एक परफेक्ट जोड़ा हो, लोग हमारी तारीफ करें या हमारा कोई आनंद अलग ही हो, हमारे इर्द गिर्द ऐसा कोई न हो। तो ये परफेक्शनिज्म का जो माहौल चल रहा है, और बहुत बार सोशल मीडिया कोई व्यक्ति को परफेक्शनिज्म के लिए बहुत सराहते हैं, उसके कारण भी परफेक्शनिज्म बहुत अच्छा है ऐसा माना जाता है। लेकिन मैं ये बात बता दूं, मैंने बीए साइकोलॉजी जब किया तो साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक जब मैंने खोली थी, मैं जस्ट एमबीबीएस हो चुका था उस समय में, और मैं हॉस्टल में रहता था। तो टेक्स्ट बुक खोलने के बाद में पहले पन्ने पे, अंग्रेजी में बुक थी, पहले पन्ने पे ऑथर्स का जो मनोगत था वो मैं पढ़ रहा था। तो ऑथर ने लिखा था, वो तो टेक्स्ट बुक के ऑथर है, उन्होंने लिखा था, वो ऐसा लिखते हैं, सच में ऐसा लिखते हैं वो। मैंने उम्र के 23 साल में ये पढ़ा था, मुझे अभी भी मेरे दिमाग में वो स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट प्रिंटेड है। उन्होंने लिखा था कि आपको लगता है कि परफेक्शनिज्म बहुत अच्छा है और आपने परफेक्ट रहना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं साइकोलॉजिकल वर्ल्ड से कि परफेक्शनिज्म ये बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो ये परफेक्शनिज्म का पीछे पीछे दौड़ना बीमारी का, साइकोलॉजिकल बीमारी का लक्षण हो सकता है, और वो साइकोलॉजिकल बीमारी अगर बहुत बढ़ गई तो डिवोर्स में कन्वर्ट हो सकती है, और डिवोर्स होने में समय नहीं लगता, क्योंकि तो कोई व्यक्ति परफेक्ट हो नहीं सकता, ना होना चाहिए, ना परफेक्शनिज्म के पीछे दौड़ना चाहिए, है ना? राइट यस सर। सर इसके अलावा भी मुझे लगता है और कुछ डायमेंशन हो सकते हैं, मैं आपसे इसके बारे में क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। जी जैसे मेरे पापा के जमाने में या आपके जमाने में हम कह सकते हैं कि पेट्रियोटिक सोसाइटी थी, तो सोसाइटी में क्या होता था, घर में जो पुरुष है जो मेल है जो वो बोलेगा वही होगा, और फिर वो औरत को या घर में जो फीमेल्स हैं उनको सुनना ही पड़ता था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो डिपेंड भी थे उस मेल के ऊपर एंड सोशल स्ट्रक्चर भी वैसे ही था। लेकिन अभी जैसे 2007 या 5 के बाद जनरेशन सडन चेंज हुआ है, नॉलेज का जमाना आ जी गया है, जब से जी मोबाइल आ गया 2012 के बाद हम बोलेंगे कि जनरेशन बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। अब 11th 12th की लड़कियां भी फेमिनिज्म के ऊपर बात करती हुई दिखेगी, तो वो ना पुराने जमाने में, यदि मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि हस्बैंड ने बीवी को थप्पड़ मारा वो ठीक है करके छोड़ देती थी, झगड़ा होता है समझ लेती थी, दो पीछे जाती थी। आज यदि ऐसा हो गया वो क्राइम ही है, तभी भी क्राइम था आज भी क्राइम है, लेकिन उस इवेंट के बाद आज दूसरे दिन डाइवोर्स हो जाएगी। मैं मेरी मम्मी से ऐसे ही बोल रहा था एक दिन कि यार ऐसे ऐसा अभी सिचुएशन है सोसाइटी, तो मम्मी मुझे बोली कि कोई भी रिश्ता है और उस रिश्ते में यदि दोनों लोगों को जीतना है तो फिर वो रिश्ता नहीं चल सकता, तो एक को हारना पड़ेगा एक को जीतना पड़ेगा। तो यही है, कुछ अदर रीजंस हो सकते हैं ऐसा मुझे लगा। तो लाइक सही बात, बिल्कुल सही बात है, ये अदर डायमेंशन डेफिनेटली है, क्योंकि हुआ ये भी है, क्योंकि लेकिन ये हालांकि डिवोर्स का रीजन नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ, लेकिन कुछ कुछ मामले में ये अंडरलाइंग कॉज हो सकता है, ऐसा हम कहेंगे। कहने का मतलब ये डायरेक्शन ये मिल रहा है हमारे डिस्कशन को कि लड़कियां पढ़ गई है, पढ़ी लिखी हो गई है, वो अपने ऊपर निर्भर हो गई है, वो नौकरी कर रही है, इसीलिए वो डिवोर्स देती है, ये सच बिल्कुल नहीं है। हालांकि जितनी सारी वर्किंग लेडीज है उन्हें डिवोर्स से बहुत डर लगता है,
ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। वो डिवोर्स बिल्कुल नहीं चाहती, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि उन्हें सपोर्ट की ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि वो करती है, उन्हें बहुत प्रेशर से जाना पड़ता है, उन्हें घर के फ्रंट में भी देखना पड़ता, बाहर का फ्रंट भी देखना पड़ता, इसीलिए वो पहले के मुकाबले में वो ज्यादा इनसिक्योर फील करती है। पहले में इतनी इनसिक्योरिटी नहीं रहती थी बच्चों लड़कियों को शादी के बाद में, क्योंकि उनको संभालने वाले वो घर में रहती थी, तो सिक्योर एटमोसफेयर में रहती थी। अब लेकिन ऐसी बात नहीं है, सिक्योरिटी लड़कियों को अभी कम है, क्योंकि वो बाहर भी काम करती है, तो उन्हें डिवोर्स अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन हो ये रहा है कि आमतौर पर उनके एडजस्टमेंट करने के लिए वो दोनों जब काम कर रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट देने के लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं रही है। पहले के जमाने में सपोर्ट सिस्टम भी थी। ये तो बिल्कुल सही बात आपने कही कि वो कॉमन नहीं था डिवोर्स करना, इतनी हिम्मत नहीं होती थी लड़के की और लड़की की भी, हस्बैंड की वाइफ की भी। अभी हिम्मत हो रही है, ऐसा नहीं है, अभी ये फ्रस्ट्रेशन है जिसलिए डिवोर्स हो रहा है। डिवोर्स कोई नहीं करता चाहता करना के अब, लेकिन सोशल सिस्टम भी नहीं है, सोशल सपोर्ट भी नहीं है, उन्हें मनाने वाले, उन्हें सपोर्ट देने वाले लोग भी नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली बिल्कुल हो गई है, दादा दादी नहीं है, नाना नानी नहीं है, है ना, बोलते ना चाची नहीं है, कजिन्स कम हो गए हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम लोगों ने, मैं और मेरे दो, ये डेवलपमेंट से आगे गए। अगर अपने पास में एक ही लड़का है या एक ही लड़की है तो आपके कई रिश्तेदार खत्म हो जाएंगे। अगर आपके पास में दो लड़के हैं तो आपके रिश्तेदार थोड़े बढ़ेंगे। अगर आपके घर में तीन या चार लड़के हैं, मतलब इश्यूज है, तो आपके रिश्तेदार और बढ़ेंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं रहेंगे ना। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि हमने हमारी लोक संख्या कम करने के लिए, लोक संख्या के ऊपर में काबू पाने के लिए, मैं या मेरे दो, ये इस्तेमाल किया। लेकिन इसका दुष्परिणाम या इसका अदर वे एक्शन ऐसा हुआ कि हमारे रिश्तेदार, जो क्लोज रिश्तेदार है, सेकंड फैमिली थर्ड फैमिली जो है, वो कम हो गए। अब इसलिए सोशल सपोर्ट कम हुआ, फैमिली सिस्टम टूट गई, फैमिली सपोर्ट कम हुआ। यहाँ तक के कि अब बहुत बार लड़कियों को, कजिन अगर है तो अपने भाई के हाथ से राखी बंधवाने की क्या जरूरत है, ऐसा भी लगने लगा, क्योंकि भाई तो बहुत दूर रहता है, मेरी मुलाकात तो साल दो साल में एक आध बार होती है, ये कोई भाई बहन का रिश्ता है क्या, ऐसा भी लोग सोचते हैं। तो कहने का मतलब ये डायनामिक्स जो है फैमिली के, ये चेंज हो गए। और मुझको ऐसा लगता है सुशील सर, फाइनली हम इस कंक्लूजन पे आने की कोशिश करते हैं कि फैमिली डायनामिक्स चेंज होने के कारण डिवोर्स बढ़ रहा है, क्या लगता है यस आपको? यस सर, सही बात है कि जो फैमिली डायनामिक्स है वो सडन चेंज हुआ है, तो इसके कारण डाइवोर्स का प्रमाण भी बढ़ रहा है। तो आई थिंक हमने बहुत सारा डिस्कशन इसके ऊपर किया है एंड बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ है हमारा, ऐसा लगता है मुझे। सो थैंक यू जी, सो मच डॉक्टर माधव राजे। थैंक यू सो मच।